इज़ वेलकम बैक। और आज मैं शूट कर रही थी एक व्लॉग। आज मैं नहीं शूट कर रही थी, बेसिकली व्लॉग ऑलरेडी शूटेड है, बस मैंने उसका इंट्रो नहीं किया था। तो मैंने सोचा आज मैं एडिट करने बैठी तो मैंने सोचा इंट्रो मैं ज़रूर कर दूं। और एक्चुअली मैं अपनी दीदी के घर गई थी, वहाँ का व्लॉग है। वहाँ पे हम लोग 3 to 4 days थे, तो मैंने 2 दिन ही व्लॉगिंग की थी और 2 दिन की पूरी व्लॉगिंग मैंने एक वीडियो में ही इंक्लूड कर दी है। और काफ़ी फन वे में है, बच्चों ने की है, तो बच्चों का अपना एक तरीका होता है सब करने का, तो बस उस तरीके का है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक लाइक ज़रूर करें करिए। और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है उसमें, और काफ़ी चैलेंज वीडियो भी इन्होंने किया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देखेंगे आप उसी चैनल पे, और ब्लॉग भी उसी चैनल पे देखेंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो आज ज़रूर जल्दी से से कर करें। लें। और चलिए फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग शूटेड है, बस आज उसका इंट्रो नहीं था। और बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, बहुत ही प्यार से बनाया हुआ है बच्चों ने, और उसका एंड पार्ट तो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा बच्चों ने मैसेज भी दिया है। तो वो कौन एंड सा पार्ट आप मैसेज ज़रूर आप देखिएगा देखेगा? और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज की जनरेशन का जो ये छोटा सा मैसेज सबके लिए है। गाइस, हम लोग यहाँ पे नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं चिनिया का, और अभी जब हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे कैसा है, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? सो गाइस, मैंने चिनिया का नेल आर्ट कर दिया है, तो आप बताइए देख के कैसा है। अच्छा लगे तो कमेंट करिए नीचे कि कैसा लग रहा है। और हम लोग आज आपको बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। आज हम लोग रील्स बनाएंगे और हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, तो वो आपको दिखाएंगे क्या क्या खेलना है, ठीक है? और अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। स्टे ट्यून, बाय। बाय। कि देखिए आप, मैंने एक ब्लू वाला सॉल्व किया है क्यूब को, आप देख सकते हैं बहुत इजी आप देख सकते हो। अब मैं करती हूँ ग्रीन, शायद मैं कर दूँ। नहीं ऑरेंज, तुम बाल अपने कर्ल करी हो क्या? नहीं, इसके बाल इतने कर्ल हैं कि ये आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे लग रहा है कर्ल्स करा के आई है ये अभी अभी अपने नहीं बाल इतने कर्ली बाल है तुम्हारे। ऐसा ही है बिच्छू, ऐसे नहीं कहते हैं यार समझ। अच्छा, मैं बुरी बच्ची हूँ क्या? आप कौन से बहुत अच्छे बच्चे हो? मैं तो सारी बात मानती हूँ। ओहो, कौन बोल रहा है एक्चुअली बात मैं ग्रीन वाला एक्चुअली सॉल्व नहीं कर पा रही, तो मैंने ब्लू किया ये है। ब्लू भी नहीं कर पाई है, ये मैं करी थी और ये इन्होंने दिखा दिया कि हाँ मैं करी हूँ ये सॉल्व। तो गुनगुन ने किया था ना? गुनगुन ने भी नहीं, गुनगुन दीदी ने भी नहीं किया था। गुनगुन ही नहीं किया था? नहीं, यस नो, यस। मैंने सॉल्व किया था, देख। तो फिर आप ग्रीन सॉल्व करके दिखाओ और तब मैं जाने की आप दोनों अच्छे से बोले कि राजा कि क्या हुआ, खराब हो गया। ओके नाउ इट्स देयर एंड इट्स नॉट अ गेम, मुझे खाना टाइम। लो अपने चश्मा पहन लो। मैं पहले चश्मा देखिए, आप मेरे नेपाल डन। अब मेरे नेपाल हम दोनों बहन चश्मिश चश्मिश और हम लोग को कहा जाता है छोटी चश्मिश बड़ी चश्मिश। पहले ये पहले 40 साल मैं हूँ पहले इस मेरे साल। चश्मा लगा था तो मुझे कहते थे सब लोग कि तुम बड़ी चश्मिश हो, बड़ी अम्मा हो। और जब इसके ही इसके मेरे लगने के 6 months बाद इसके भी लग गया तो इसको सब बोलते तुम छोटी अम्मा हो, छोटी लड़की हो, छोटी चश्मिश हो। और ये 40 साल, मैं 6 साल, मैं शिनिका हूँ। मैं 40 साल, 14। हाँ मैं हाँ 14 की हूँ और ये 6 है। ये आज हम लोग बहुत मजे करेंगे, बहुत मजा आएगा आज। हम लोग दीदी के घर पे, मतलब काव्या श्रीवास्तव के घर पे, और मैं शिनिका। हाँ वैसे एक्चुअली मौसी हम लोग के घर आई थी रुकने के लिए, कल ही रुकने आई के थी। लिए कल ही आई कल मेरी मम्मा का बर्थडे था तो कल आई थी मौसी रुकने के लिए, और हम लोग ने कल बहुत एंजॉय किया, वो आप लोग व्लॉग में देखेंगे। तो
उस ब्लॉग का नाम है वी आर फैमिली ब्लॉग्स। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करे और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं आपको ये क्यूब सॉल्व करके दिखाती हूँ और मैं इसमें करूँगी इस साइड से मैं ऑरेंज कलर सॉल्व करूँगी। तो हम कलर आ रहे हैं, मुझे आता नहीं है, तो ऐसे मेरी देरी कर देगा। आता नहीं, मतलब आता है, आता नहीं आता है, जो मैं नहीं आता है आता है आता है आता है आता है। मैंने अपने घर में एक बार सॉल्व किया था पूरा, सच में डन। अब हम करते हैं वाइट, तो दीदी करेगी वाइट। लो वाइट सॉल्व कर दूँगी इस साइड, इस साइड जो ज़्यादा हो तो उसको ही मैं करती हूँ। तो बस एक ही बचा, वो करना है। सो गाइस वाइट भी सॉल्व हो गया, अब ग्रीन करते हैं। सारे कलर सॉल्व कराना है क्या? नहीं, सारे नहीं होगा, नहीं होएगा। नो 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 ये नो यस नो नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो 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 ये 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 नो 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 नो। आप देख सकते हैं, मैं सॉरी दीदी, बहुत पोछ रही है, पोछ रही है। ये हमारी मम्मा है, शीशा में जो है वो ना जो नहा कर आई है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और खाना रेडी हो गया है, हम लोग जा रहे हैं 5 मिनट खाना खाने। तो आप हमें देखिए खाना खाने के समय, बाय। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं और लंच का टाइम था। बस बेसिक्स का खाना था हम लोग, क्योंकि हम लोग ने एक दिन पहले अच्छी से पार्टी की थी दीदी की बर्थडे की, तो इस समय हम लोग बहुत ही सिंपल सा दाल चावल सब्जी खाना खा रहे थे और बस इंजॉय कर रहे थे पूरा ये मोमेंट। आज हम लोग के लंच में रायता, सूखी आलू की सब्जी, दाल, चिली पनीर और रोटी, चावल भी है और खीर खीर भी है, खीर ऐसा कुछ कुछ। तो गाइस, इस समय था इवनिंग का टाइम और मेरी बेटी को यहाँ पे स्किपिंग करना नहीं आता था, तो हम लोग दोनों बहनें मिलकर उसको बेसिकली सिखा रहे थे, तो वो गुस्सा हो गई क्योंकि वो कर नहीं पा रही थी। तो आप नॉटी है, बहुत मस्त हो गया, स्माइली खा के स्माइली करते हैं ना चिनिया, स्माइली खा के स्माइल करते हैं ना, तुम स्माइली खा के स्माइल नहीं कर रही हो, सैड बनी हो। तो गाइस, मैं मम्मा से स्माइली बनाई तो मैं वीडियो बना दूंगी। क्यों? मैं कर दूंगी। तो गाइस, हम बने प्लेन और चाय और चिल्ला गाइस, गुड गाना गाना गुड गाना तब बैठ कर जाएंगे, देखना क्या देखेंगे, देखना रुदी तुम बता देना, गुड गाना बैठ बैठ चिनिया, गुड गाना बैठ भाई, तो सब जा रहे गुड गाना, वो भी गुड गाना ना, हां गुड गाना तो आई है, अभी हंस के भी दिखाएगी सबको। अभी जहाँ पेट भरे उसको हंसी आ जाएगी, सॉस खाओगी नहीं, अभी वही वही खेलेंगे, नहीं वही वही मत खेलना, कोई और लूडो खेल लेना, वजी वजी खेल लेना है मेरे साथ, वजी वजी में लूडो खेल लेता है, तो वीआर क्लैपिंग खेल लेंगे, तुम्हें बहुत पसंद है, नहीं वो ना, फिर वजी वजी खेल लेना, तुम और मेरे पहले बार ना खेल, नहीं आता था तुम्हें, मैं सुबह को मन करता शाम, अच्छा ठीक है कल सुबह खेलेंगे। यहाँ पे ये थोड़ी गुस्सा थी क्योंकि इनको स्किपिंग करनी नहीं आ रही थी, तो बस सब लोग इनको मनाने के लिए तरह तरह के चीज़ें कर रहे थे और मनाना चाह रहे थे कि ये मान जाएं और हंसने लगे। देखो देखो, थोड़ी स्माइल आ रही है, पेट भर रहा है ना, पेट क्या, मेरा पेट भर गया, अभी नहीं भरा है, आवाज किया था दूसरी है, खाली की आवाज करता, भरी नहीं करता, करता है पर हां भरी भी करता है लेकिन ज्यादा तेज करता है, सब कुछ नहीं करती, तभी जब पेट भर जाएगा तो हंसी अपने आप आ जाएगी, हां तब हंसेंगी, बन गई है, अब मुझे जीतना ना, फिर फेस करूंगी ये कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी को
थोड़ा सा हारना नहीं पसंद है उनको, कोई भी गेम खेलना होता है तो उनको हमेशा जीतना होता है, तो सब लोग यहाँ पे उनको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, गेम में कोई हारता है कोई जीतता है। जब हारते हैं उसके बाद जीतना शुरू करते हैं, जब वो हार के जीतने वाले को हीरो कहते हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर मतलब बाजीगर जो जो एक्सपर्ट होता है ना गेम में, वो कैसे चिड़िया जो बाजीगर। मैं कुछ एक्सपर्ट मत नहीं हूँ, देखो तुम इधर आ रहे हो, देखो भी और रखा है। हेलो, आज रात को अभी बज रहे हैं 9:30 करीब, और हम लोग डिनर अभी हम लोग ने नहीं किया है और बच्चों की डिमांड पे खेलने जा रहे हैं। राजा मंत्री सिपाही बादशाह वजीर वजीर जो हम लोग बचपन में खेलते थे, तो बस हम लोग वही सारे गेम खेलने जा रहे हैं क्योंकि सब बच्चे बहुत बोर हो चुके थे मोबाइल देख देख के, काम ही नहीं है आजकल बच्चों के पास मोबाइल देखने के बाद, तो ये हुआ कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट किया जाए, हम लोग का भी हो जाए। हम देख नहीं रहे थे तो बस हम लोग वही खेलने जा रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है, सबको ही जीतना होता है। गाइस मैं तो हारने वाला हूं, पहले ही बोल दे रहा हूं। अब देखेंगे जो होता है, मैं और देखूंगी। बैठ चलिए आ जाओ, हम लोग जो गेम खेले थे राजा मंत्री चोर सिपाही, उसका रिजल्ट आ गया है और उसमें विनर है मेरा भाई कृषु, सेकंड है चिनिया, थर्ड है मौसी और फोर्थ हूँ मैं। मेरा इतना बेकार लक है कि मैं फोर्थ आ गई, तो क्या कर सकते हैं। और अब हो रहा है 10:05 हो रहा है, तो अब डिनर का टाइम हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं डिनर के लिए, तो चलिए हम लोग डिनर करते हैं। सो गाइस इट्स डिनर टाइम, और डिनर में है, मैं आपको दिखाती हूँ, तो डिनर में है लौकी का कोफ्ता, सैलेड, और यहाँ पे रोटी, आइसक्रीम निकाल लो, और आइसक्रीम भी है। सो गाइस ये है आइसक्रीम केसर बादाम की, और इस आइसक्रीम से धुआं निकल रहा है, खा के देखते हैं कि टेस्टी के लिए। और यहाँ सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं, हम लोग का खाना हो गया है और हम लोग आ गए हैं रूम में, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो अभी हमने मम्मा ने सबने डिसाइड किया था कि हम लोग एक गेम खेलेंगे उसके बाद फिर सोएंगे, तो देखते हैं गेम खेल भी पाते हैं कि नहीं खेल पाते हैं, तो आपसे मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, ये ब्लॉग कल भी कंटिन्यू रहेगा, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। तो गाइस कल चिनिया के स्कूल में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट होगा, तो उस पर कार्ड बनाने को बोला था, तो मैंने चिनिया की हेल्प करके उसके लिए कार्ड बनाया है, तो पकड़ो चिनिया ऊपर से। सो यहाँ से ये पुल होगा और ये खुल जाएगा। हेलो माई बेस्टी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड विल ऑलवेज बी विश यू हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आई लव यू काव्य शिवांश आधेरा। सो ये कार्ड है, और ये कार्ड कल दिखाएंगे हम लोग मैम को, शिनिका की मैम को, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। और बहुत मन से बनाया है मैंने ही बनाया है, क्योंकि चिनिया बना नहीं पाती इतने अच्छे से, तो मैंने ही बनाया है कार्ड। खोलो खोलो ना चीजों में मत
ऐसे नहीं, मुझे पता है ब्लॉग जाएगा वी आर फैमिली ब्लॉग्स पे, तो उसको भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और हम लोग को बचा दो 2K के फैमिली में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट्स भी कर देना बहुत सारा। मुझे देखना चाहिए कमेंट्स नीचे आया है कि नहीं आया। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने आप लोग को कल बताया था कि आज भी व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो आज बहुत सी चीज़ें होने वाली है, ज़रूर देखिएगा आप इस व्लॉग में, बने रहिएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी 10:15 हो रहा है और मेरे भाई की क्लास होने वाली है और चिनिया की क्लास हो रही है। मेरा टेस्ट चल रहा था, मेरा टेस्ट हो गया है, एक है ओरल था, ओरल 8:00 हो गया था, रिटर्न है, रिटर्न अभी 10:00 से शुरू है, तो वो मैं करके फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, स्टे ट्यून्ड। गाइस, यहाँ पे मैक्रोनी बनी है सुबह के नाश्ते में, और ये मैडम को मैं खिला रही हूँ जो क्लास कर रही थी अभी, और मैं अभी इनको खिला रही हूँ, अभी फिर क्लास करेंगी। और ये भाई साहब की क्लास थी, ये करे नहीं और यहाँ बैठ के डांस कर रहे हैं। तो अब आपको नाश्ते के बाद मिलते हैं, बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं करीब 12 और हम लोग बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में बिजी थे और हम लोग ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और नाश्ते में बनी थी मैक्रोनी, जो अपने बना है ये मैंगो शेक, जो कि सब बच्चे ही खाएंगे ऑब्वियसली पियेंगे। तो हम लोग ने तो चाय वगैरह पी थी, तो ये हुआ कि बच्चों के लिए मैंगो शेक बन जाएगा, तो इस वजह से अभी बच्चे क्लास करके फ्री होंगे, तो उसके बाद उनको चीयर अप करने के लिए मैंगो बनाना शेक दिया जाएगा बनाना शेक दिया जाएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में लंच के टाइम, और तब तक हम लोग फ्रेश वगैरह होंगे। अभी सब लोग घर के कामों में बिजी थे, मैं दीदी खासकर, तो वो अभी फ्री होंगी, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, तब तक लिए। गाइस, इट्स प्लेइंग टाइम और हम लोग खेल रहे हैं क्ले यानी प्ले डो, और इसमें मल्टी कलर्स के प्ले क्ले हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, हाथ हटाओ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये येलो वाला, ये पर्पल, ये रेड और ये ब्लू चिनिया ने बनाए, ये फिश, ये शेल, ये बियर, ये बर्ड, ये कार और ये शिप मैंने बनाए, सो आप देख सकते हैं। और ये बैठी हैं मैडम, ये भाई साहब, ये दूसरे भाई साहब, इधर मम्मा मौसी और मैं, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए। और हम लोग मिलते हैं अब आपको खाना खाने के टाइम, बाय बाय। तो गाइस, हम लोग खाना खा चुके हैं और हम लोग आए हैं प्लॉट में थोड़ी देर के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग, इन लोग खेल रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं लोग। और हम लोग अभी अभी जस्ट खाना खा के आए हैं, और खाने में बनी थी दाल चावल रोटी सब्जी और सिमई। हाँ गाइस, बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गई, बहुत टेस्टी था। और अभी थोड़ा मौसम सही है, आप और गाइस आज मैंने नया कपड़ा पहना है, देखिए मौसम आप देखे, बहुत क्लाउडी क्लाउडी है। और आज मैंने नया कपड़ा पहना है कि आज व्लॉग बनेगा अच्छा वाला। और अब हम लोग अभी थोड़ी देर, हवा देखिए कितनी बढ़िया चल रही है, और अभी हम लोग थोड़ी देर प्लॉट में ही रहेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाके शाम तक में फिर बाहर आएंगे, और फिर थोड़ा बाहर आउटिंग गेम खेलेंगे, फिर दम शरार्स खेलेंगे। तो वेट करिएगा आप हम लोग का, हम लोग खेलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। साढ़े दो, हिंट को दो, हिंदी इंग्लिश हिंदी, कितने वर्ष की है, कितने वर्ष की है, टू वर्ड्स, एरोप्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, टू वर्ड्स की है, पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड कौन सा है, गोलियां, बंदूक, दरबार, दबंग, दबंग, दबंग टू, दबंग थ्री, ये कौन सी मूवी है, ऋतिक है, ऋतिक है, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, मुझे पता है, बंदूक है, बाकी टू, बाकी बाकी थ्री, यहाँ देख लीजिए कितनी पब्लिक है, सब बैठे हैं, जा कर मैं भी समझी, तुम क्या बोल रहे हो,
बोला है? हिंदी है, चार वर्ड की फर्स्ट वर्ड वाइब्रेट परी नहीं है, बार्बी गोलमाल अगेन बोला नहीं है सलमान खान सलमान खान है सलमान खान सलमान खान सारी सलमान खान अरे वो भारत मैंने प्यार किया हम आगे कौन हम साथ साथ हैं मम्मा टेंशन में है छोड़ो इट्स डिनर टाइम और आज के डिनर में है पाव भाजी स्पेशल मौसी ने बनाया है बहुत अच्छी लग रही है खाने से इधर प्याज नींबू इधर भाजी इधर पाव है तो आपसे खाने के बाद मिलते हैं hey guys, आज का दिन और आज का व्लॉग हम लोग इसी जगह ख़त्म करते हैं अभी रात हो गई है सब लोग सोने की तैयारी कर ली है ये देखो यहाँ पे बेड वेड लग चुका है और मैंने सोचा कि मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊँ इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी ब्लॉगिंग इस समय कर ली जाए तो आप ये देखिए मैं मौसी का पैर दबा रहा हूँ देखिए इतना काबिल लड़का है ये बेचारा मौसी के पैर दबा रहा है अपनी मम्मा के भी पैर डेली दबाता है अपने मम्मा और मौसी के पैर दबाया करिए हमेशा अच्छे बना रहा करिए कभी भी हर जब भी मम्मा को बात माना करिए रिस्पेक्ट करा करिए जब मम्मा को फीवर हो तो तुरंत डॉक्टर को फोन करा करिए अगर कृषु शादी के बाद दबाओगे मम्मा मौसी के पैर कैसे बीवी को छोड़ के आके नहीं उसको कह दूंगा कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस और आ जाऊंगा घर और ऑफिस वाले अपने बॉस से कह दूंगा कि सर मुझे बस एक दिन की छुट्टी चाहिए और आ जाऊंगा पूरे दिन घर में रहूंगा फिर जाके घर जाऊंगा फिर कहूंगा बस बहुत काम था सर बहुत काम करवाए बस यही कह दूंगा अगर बीवी ने कहा नहीं मम्मा का पैर दबाने नहीं जाना है तो क्या करोगे मैं कहूंगा अरे ऑफिस तो जाऊंगा ही ना फिर ऑफिस के बाद निकलना आ जाऊंगा बहुत गुड गर्ल है बहुत गुड बॉय है हमारा कृषु बहुत सेवा और दीदी भी गुड गर्ल है बहुत सेवा करता है अपनी मम्मा की भी और मौसी की भी हाँ अच्छा बच्चा है वो अच्छा बच्चा है मेरे दोनों बच्चे इस मामले में आई एम ब्लेस्ड इस मामले में आई एम ब्लेस्ड कि मेरे दोनों बच्चे बहुत लविंग के हैं मेरे लिए तो हैं ये इसी नोट पे बच्चों की इस छोटी की सी सीख के साथ हम लोग इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया होगा तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है लाइक